हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, नोटबुक निकालो और आगे बढ़ते हैं। लाए नहीं? अरे बहुत बढ़िया, क्यों, किसी को गिफ्ट कर दिया गया नोटबुक? अच्छा, नाम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। हाँ भाई, बात चल रही थी बोर क्लासिफिकेशन की, मैजिक नंबर की। बोर क्लासिफिकेशन अपना हो गया था, उसके बाद टिपिकल एलिमेंट हो गया था, जिंग एलिमेंट हो गया था, और डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध हो गया। अभी यहां तक कोई समस्या किसी को? अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, नेक्स्ट फिर हेडिंग लगाओ और आगे की बात को जो है वो स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कशन कर। हेडिंग लगाइएगा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं परायूरेनिक तत्व। हेडिंग डाल दो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, यानी कि परायूरेनिक तत्व। अब सुनना, देखो सर, हम यहां पर बात करते हैं परायूरेनिक कौन होता है। देखो थोड़ी बहुत बातें आपने पहले से भी सुन रखी होगी। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो होते हैं उनकी अपन बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इसमें हल्की हल्की चीजें जो है वो हमें याद रखनी होती है। उनमें से क्या क्या है सुनना। आप सब लोगों ने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा, नाम होता है क्या, यूरेनियम। सुना हुआ है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, 92। अब सुन लेना ध्यान से, अपन क्या बोलते हैं कि सर यूरेनियम 92 जो होता है, इसके बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं, ध्यान से सुन लेना, अभी टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। यूरेनियम के बाद में जितने भी तत्व आते हैं सब के सब तत्वों को हम लोग क्या नाम देते हैं, परा यूरेनिक, यानी कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर है? अब सुनना, इनके बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, ये जितने भी ट्रांस यूरेनिक हैं सब के सब क्या हैं, मैनमेड हैं, और सब के सब क्या हैं तो अपन कहते हैं कि रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अब देखो सर, इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर यूरेनियम के बाद वाले सभी के सभी मानव निर्मित हैं तो लास्ट नेचुरल एलिमेंट जो है, यानी कि अंतिम प्राकृतिक तत्व जो है, वो किसको बोला जाएगा, आपके यूरेनियम को। अगर आपसे ये पूछ ले कि सर अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन है, यूरेनियम। यूरेनियम के बाद में बात आती है कि सर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट है भी कौन सा, यूरेनियम। तो सबसे हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट भी अपना कौन सा हो जाता है, यूरेनियम हो जाता है। अब एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, लैंथेनॉइड, देख लेना इसको। लैंथेनॉइड से आप लोग भली भांति परिचित हैं। ये कहता हूं कि जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं, ध्यान से सुनना, बताना कि सही है या गलत है, जितने भी लैंथेनॉइड हैं सभी के सभी मानव निर्मित और रेडियो सक्रिय है, नहीं है क्या? लैंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक कहां से स्टार्ट होता है, 58 से कहां तक चलता है, 71। और परायूरेनिक तत्व कौन से होते हैं, तो अपन कहते हैं कि 92 के बाद वाले। चलो सर, इसमें भी कुछ पंगा है, उसकी भी बात कर लेंगे। दूसरा, मैं बोलता हूं कि सर जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं सभी के सभी मानव निर्मित हैं, क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं कि एक्टिनॉइड का परमाणु क्रमांक कहां से शुरू होता है, 90 से, और कहां पर खत्म होता है, 103 पर खत्म होता है। और अपन क्या कह रहे हैं कि लास्ट नेचुरल है कौन, यूरेनियम। तो अपन क्या बोलते हैं कि क्या सभी एक्टिनॉइड जो है वो मानव निर्मित हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं सर, सभी एक्टिनॉइड मानव निर्मित नहीं है। क्लियर है? अब देखो सर, यहां पर एक हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन आता है यूरेनियम के बाद में, ध्यान से सुनना। अगर अपने से कोई बोल दे कि टोटल नेचुरल एलिमेंट जो है, यानी कि कुल प्राकृतिक तत्व जो है वो कितने हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, कितने दिख रहे हैं, 92, दिखने में 92 है। अब देखो सर, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के हिसाब से नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, 92। लेकिन यहां पर एक हल्का सा पंगा है, वो क्या है, यहां पर हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, मानव निर्मित है। उनमें से एक तो आता है टेक्नीशियम और एक आता है प्रोमीथियम। इन दोनों की बात करते हैं, ये कहां पर आता है, तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एक वो ट्रिक लिखा था मन तक रे, याद आया गया। ये कौन है, तो अपन बोलते हैं कि सर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक में ये पहला एलिमेंट है जिसको मानव ने सिंथेसाइज किया था, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर फर्स्ट मैन मेड, ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट मैन मेड डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कौन सा है, टेक्नीशियम।
इसकी अपन बात करते हैं पीएम जो होता है, इसकी अगर बात की जाए तो ये कौन सा तत्व है, तो अपन क्या बोलते हैं सर, लेंथेनोइड में आता है या एक्टिनोइड में आता है? तो अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड में सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो ये क्या है? तो अपन बोलते हैं कि सर ये फर्स्ट मैन मेड यानी कि मानव निर्मित लेंथेनोइड जो है वो कौन है, पीएम है। तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को आप लोग निकाल दो, इनके बाद जो आपके प्राकृतिक तत्व बचते हैं वो टोटल कितने बचते हैं, 90। क्लियर है? तो एनसीईआरटी इन दोनों को भी क्या कर लेता है, नेचुरल में कंसिडर करता है, लेकिन अगर अपने से सही पूछा जाए तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, 90 है। क्लियर है? ये आपकी किसकी बात होती है, तो अपन कहते हैं कि ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की बात होती है, जो आपको याद रखने के लिए एक सिंपल सी कहानी है। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा, प्रा यूरेनिक तत्व है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट लिखिएगा। देखो यूरेनियम 92 ऐसे लिखेंगे ताकि हमें परमाणु क्रमांक जो है वो हमेशा याद रहे। यूरेनियम 92 के बाद वाले सभी तत्व है, यूरेनियम 92 के बाद वाले सभी तत्व है मान परा यूरेनिक तत्व है कहलाते हैं। यूरेनियम 92 के बाद वाले सभी तत्व है परा यूरेनिक तत्व है कहलाते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा, देखो सभी परा यूरेनिक तत्व है, सभी परा यूरेनिक तत्व है मानव निर्मित तथा रेडियो सक्रिय होते हैं। सभी परा यूरेनिक तत्व है मानव निर्मित तथा रेडियो सक्रिय होते हैं, मानव निर्मित तथा रेडियो सक्रिय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, देखो सभी एक्टिनोइड्स मानव निर्मित नहीं है, सभी एक्टिनोइड्स मानव निर्मित नहीं है, सभी एक्टिनोइड्स मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखो यूरेनियम 92 सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तथा अंतिम प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तथा अंतिम प्राकृतिक तत्व है, अंतिम प्राकृतिक तत्व है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा, देखो टोटल नेचुरल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 92 - 2 = 90। और जो दो तत्व हम माइनस में कर रहे हैं वो दो तत्व कौन से हैं, तो अपन बोल देंगे कि सर वो हैं कौन कौन से आपके, एक तो है टीसी और दूसरा कौन सा है, प्रोमीथियम। दोनों के नीचे ये बात लिख दीजिएगा, इनमें से दो ऐसे हैं जो आप लोगों के यूरेनियम से पहले आते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, मैन मेड हैं, मानव निर्मित हैं, और मानव द्वारा किया गया कोई भी काम 100% सही नहीं होता, इसलिए ये रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है? और रेडियो सक्रिय क्या होता है ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं, जो क्या करता है, अल्फा बीटा जो पार्टिकल है और गामा रेज जो होती है उनका इमिशन करता है और लगातार डीके यानी कि क्षय होता रहता है और उससे नए नाभिकों का निर्माण होता है। ये सिंपल सी कहानी होती है। अब सुनो सर, यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे, एक हमारे पास बहुत ही प्यारा सा वर्ड आता है जिसको बोला जाता है पिच ब्लेंड। नाम सुना हुआ है क्या? पिच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का एक अयस्क होता है, वो कौन है, U3O8। ये जो पिच ब्लेंड होता है इसमें दो तत्व होते हैं, कौन से, तो अपन कहते हैं कि नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ये दोनों एलिमेंट जो है इसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो सर आपको याद आ रहा होगा ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक्टिनोइड हैं, और एक्टिनोइड हैं तो कहां पर आते हैं या इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको याद होगा वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। क्लियर है? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, ये लास्ट नेचुरल है। इस लास्ट नेचुरल के बाद में ये कौन है, मैनमेड एलिमेंट है, लेकिन इनकी अल्प मात्रा क्या होती है इसमें ऑलरेडी पाई जाती है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, देखो पी तथा पीयू, नेपच्यूनियम तथा प्लूटोनियम, सिंबल लिख दो काम हो जाएगा, एनपी तथा पीयू की अल्प मात्रा, एनपी तथा पीयू की अल्प मात्रा
मात्रा यूरेनियम के अयस्क, यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड क्या होता है? U3O8 पिच ब्लेंड में पाई जाती है, पिच ब्लेंड में पाई जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। देखो सर, ये पॉइंट जो है वो आपको थ्योरी में इसलिए लिखाए जा रहे हैं क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस में वो सीधा देने के बजाय है ना थ्योरी में पॉइंट लिख के दे देता है कि सर कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। ये आपके किसकी कहानी खत्म होती है? आपके ट्रांस यूरेनिक की कहानी खत्म होती है। चलिएगा, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगा दीजिएगा और उसकी हम बात करते हैं। तो लगाइएगा नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर चुंबकीय व्यवहार। देखो सर, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की और वो कौन है चुंबकीय व्यवहार का, ध्यान से सुन लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूरी केमिस्ट्री में हर जगह मिलेगा। स्टार्ट होता है कहां से? आप पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों से मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो बात करता है सर कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT का डिस्कशन करते हो तो वहां भी वो आपसे बात करता है किसकी? मैग्नेटिक बिहेवियर की। तीसरा अगर मैं बात करूं किसकी तो आपको याद आ रहा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी वो बात करता है किसकी? मैग्नेटिक बिहेवियर की। उसके बाद में बात आती है बेटा आपके ब्लॉक केमिस्ट्री की। ब्लॉक केमिस्ट्री में भी वो बात करता है मैग्नेटिक बिहेवियर की। और लास्ट में बात करता है कहां पर? मेटलर्जी में, जो चुंबकीय अयस्क होते हैं उनकी बात करता है। तो आपकी पूरी केमिस्ट्री में मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको ढंग से याद रखने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर सबको मिलाकर वो एक क्वेश्चन मैग्नेटिक बिहेवियर का पूछ सकता है। तो अब सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन या तो बनता है कि कौन सा अनुचुंबकीय है या कौन सा प्रतिचुंबकीय, या दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है उसके चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित कि किसका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अधिकतम होता है। बस ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं को वो मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनना, अपन कह रहे हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर पदार्थ जो है वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। अब देखो सर, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में आपने कई और प्रकार भी पढ़े होते हैं, लेकिन यहां पर मेरे पास केवल दो ही प्रकार पढ़ने होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो नेम आता है वो कौन सा होता है? पैरा मैग्नेटिक। और दूसरा जो नेम आता है वो कौन सा होता है? तो अपन क्या बोल देते हैं? डाया मैग्नेटिक। क्लियर है? इन दो प्रॉपर्टी की वो बात करता है। अब इसके अलावा फेरो मैग्नेटिक, फेरो फेरी मैग्नेटिक ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उनकी लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि दो ही प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक में आती है। बाकी सारी की सारी आपके फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है उसमें बात करता है। अब सुनो, यहाँ पे बात करते हैं पैरा मैग्नेटिक क्या होता है और डाया मैग्नेटिक क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, शायद हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। देखना, मैं ये कहता हूं कि आपके पास कोई कक्षक है, उस कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप लोग क्या कहते हो कि ये क्या होता है? एक मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि गतिशील आवेशित कण होता है। और जब भी कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के दोनों क्या करता है? उत्पन्न करता है। हमें यहां पर बात करनी है केवल और केवल किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर वो क्या है आप लोगों का? अनपेड है। और जब वो गतिशील होगा तो वो किसी ना किसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। कब? जब वो अयुग्मित है। अगर अपन कहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दिया जाए तो क्या केस बनता है? तो आप लोग क्या कहते हो कि एक कक्षक में दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, एक चलता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो सर क्लॉकवाइज वाला एक दिशा में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला उसके विपरीत दिशा में, और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिपल्शन या आकर्षण जो है वो वहां पर काम नहीं कर पाता मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए ये स्पीशीज जो है वो एनर्जी के हिसाब से क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर अगर हमें पैरा मैग्नेटिक या डाया मैग्नेटिक की बात करनी होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कोई भी प्रजाति है तो उसका कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उस स्पीसी को अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वो स्पीसी क्या हो जाती है? विचलित होती है, डिस्टॉर्ट होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसी प्रजातियों को क्या कहते हैं? पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है?
अब ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उस एग्जाम्पल को समझने की बात करते हैं, कौन है ऑक्सीजन गैस। ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो अनुचुंबकीय होता है या प्रतिचुंबकीय? अनुचुंबकीय, सही बात है। वीबीटी के हिसाब से वो प्रतिचुंबकीय होता है, लेकिन एमओटी के हिसाब से वो क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। एक छोटा सा एग्जांपल सुनना, आप लोग ऑक्सीजन गैस को लगातार इनहेल कर रहे हो या वातावरण में बहुत सारा ऑक्सीजन गैस क्या है, प्रेजेंट है। अगर यहां पर बार मैग्नेट लगा दिए जाएं तो क्या आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो यहां पर अट्रैक्ट होगी क्या? नहीं होती। अपन क्या कहते हैं कि इनका जो चुंबकीय व्यवहार होता है वो क्या होता है? बहुत ही दुर्बल होता है और वो आपको जनरली प्रेक्षित नहीं होता है। अब अगर किसी के मन में आ जाए कि मैं यहां पर अपने नाक पर चुंबक लगा के घूम लूं तो क्या मैं शुद्ध ऑक्सीजन ले सकता हूं क्या? अरे ले सकते हैं क्या? नहीं सर, जो ऑक्सीजन गैस है उसका चुंबकीय व्यवहार इतना दुर्बल है कि वो आपको बिल्कुल भी प्रेक्षित नहीं होगा। क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि सर आप लोग किसी भी एग्जांपल को उठा लो कि सर ये तो अनुचुंबकीय है तो ये क्या होना चाहिए, जैसे ही हम बाह्य क्षेत्र लगाएं तो ये क्या हो जाना चाहिए, आकर्षित हो जाना चाहिए। ना सर, ये क्या होता है? दुर्बल चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्लियर कंडीशन? जिस एग्जांपल की हम बात करते हैं वो कौन सा है? मेटल। मेटल का चुंबकीय व्यवहार क्या होता है? प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन आपको साफ दिखाई देता है। तो यहां पर फर्क होता है किसका? इनके व्यवहार का, कि प्रबल है या दुर्बल है। तो ध्यान से सुनना, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि ऐसी प्रजातियां जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, सुन लेना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? आकर्षित होती है, लेकिन आकर्षण कैसा होता है? दुर्बल होता है। ऐसी प्रजातियों को क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। अब सुनना, इनकी पहचान बहुत सिंपल है। पहचान क्या होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि इनमें अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, ये इनकी पहचान होती है। सर ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग मैग्नेट लेके बैठेंगे कि भाई आजा तू पैरा मैग्नेट है या तू डाया मैग्नेट है, इतना करने का ना ही हमारे पास समय होता है और ना ही उपकरण होते हैं। तो हम क्या बोल देते हैं कि सर सीधे सीधे उनको उनके व्यवहार के आधार पर हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं। अगर प्रतिचुंबकीय की बात होती है तो अपन क्या बोल देते हैं कि जो एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड आप लोग लगाते हो उस क्षेत्र में ये क्या हो जाती हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसी प्रजातियों को हम लोग क्या बोल देते हैं? डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। और यहां पर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात होती है पैरा और डाया मैग्नेटिक की। क्लियर है? तो फटाफट मार्क कीजिएगा मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर आपका दो प्रकार का है, कौन सा? पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा, इनमें कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री से बनता है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या लगता है? गंदा सा लगता है, ठीक है? और बाकी कोई भी इनमें मुश्किल काम नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। सिंपल सिंपल बातें हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इनको याद रखेंगे, ठीक है? कहीं भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां भी अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे अपन पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कर देंगे, ठीक है? चलो, ये कहानी किसकी है? तो अपन कह रहे हैं कि इनके चुंबकीय व्यवहार पर आधारित है। अब देखो सर, हम यहां पर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग इजी वे में उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा। देखो, निम्न में से प्रजातियों का कौन सा युग्म, युग्म प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है?
प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या बोला कि प्रजातियों का कौन सा युग्म प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है स्कैंडियम प्लस थ्री और दूसरा ऑप्शन है कॉपर प्लस टू। यहां पर पहले ऑप्शन में जो युग्म आपको दिया गया है वो युग्म ये है जिंक प्लस टू और साथ में उसने दिया है सर आपको निकल प्लस फोर। तीसरे ऑप्शन में दो युग्म आपको यहां पर दिए गए हैं वो है कॉपर प्लस वन और कॉपर प्लस टू, और चौथे में आपको जो दिया गया है वो है कौन सा, तो अपन कह रहे हैं कि कॉपर प्लस वन और यहां पर वो बोल रहा है क्या मर्क्यूरस आयन, यहां पर वो बोल रहा है मर्क्यूरस आयन। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा युग्म है जो क्या करता है प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। फोर्थ, हाँ भाई एक आंसर आया है कौन सा फोर्थ। चलो बात कर लेते हैं कि आंसर जो है वो कैसे आया और कैसे नहीं आया, बहुत ही सिंपल सा है। देखो सर यहां पर हमें दो चीजें देखनी पड़ती है, डी ब्लॉक के जो आयन होते हैं उन डी ब्लॉक के आयनों में दो चीजें कॉमन होती है, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करना हमारे लिए क्या होता है बहुत ही आसान होता है। अब सुनना देखो सर हम बात करते हैं आपके 3D सीरीज की, कि अगर हमें कोई भी स्पीसी मिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखते हैं और कैसे नहीं लिखते वो सुन लेना। तो ध्यान से सुनना, अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन और वो भी किसका, तो अपन बोलते हैं कि डी ब्लॉक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग बात करते हो किसकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में VBT और CFT की बात करते हो तो वहां पर भी ये चीज हमारे क्या आती है बहुत ज्यादा काम आती है कि सर हमें कोई भी आयन दे देता है और उस आयन में वो लिगेंड चेंज कर करके हमसे पूछता है कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा या कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या कौन सा संकरण होगा, sp3d होगा या dsp3 होगा, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो उन सबको हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। अपन कह रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक, यह आपके पास 10 एलिमेंट है। इन सबके एटॉमिक नंबर हमें पहले से पता होते हैं कितने होते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब देखो सर आपसे एक जनरल बात कर ली जाए कि सर इनके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे उनके संयोजी कोष में और उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन क्या मिलते हैं, ऑलमोस्ट सेम से मिलते हैं। संयोजी कोष में तो क्या मिलते हैं, सेम ही मिलते हैं। अब डी ब्लॉक है तो हल्का फुल्का वेरिएशन हर जगह चलता है लेकिन ज्यादा वेरिएशन कहीं भी नहीं मिलेगा। अब देखो अगर इसके विन्यास की बात की जाती है तो आपने पहले भी देखा था इसका विन्यास कितना होता है, तो आप लोग क्या कह देते हो कि इसका विन्यास होता है 3D1 और 4S2। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरा जाता है, 4s में। सही बात है क्या, ये n प्लस l नियम के आधार पर। जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें से निकलता है, बाह्यतम कोष में से। बाह्यतम कोष कौन है, 4s। अब बात को वापिस सुनना, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन पहले भरा किसमें, 4s में, उसके बाद किसमें आया, 3d में। मतलब कि नाभिक के जो पास होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम, और नाभिक से जो दूर होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। ये बात परफेक्ट है ना, अरे हाँ या ना। अपन कह रहे हैं कि सर 4s और 3d अगर दोनों की ऊर्जा देखी तो ऊर्जा कम किसकी, 4s की। मतलब 4s जो है वो नाभिक के ज्यादा पास होता है किसकी तुलना में, 3d की तुलना में। ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। जब तुम कह रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पहले किसमें से निकाल रहे हैं, 4s में से, तो ऐसा क्या हुआ कि 4s जो है तुम कह रहे हो कि ये बाहर चला गया। भाई इलेक्ट्रॉन पहले किसमें से निकलेगा, 4s में से। मतलब कि सर इसमें केस कुछ ऐसा बन गया होगा कि ये 3d है और ये 4s है।
हाँ या ना? भाई भरा था तब कुछ ऐसा बता रहे थे, और जब निकाला तो तुम ऐसा बता रहे हो। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा हो गया? अगर तुम कहते हो ना कि भरते हैं तो पहले 4S में भरते हैं और निकालते हैं तो भी 4S में से निकालते हैं, यही कहते हैं ना अपन लोग। अरे हाँ या ना? तो ऐसा क्या हुआ कि सर ऐसा हो गया? जेड इफेक्टिव चला जाएगा, जेड इफेक्टिव भी। हाँ भाई, अरे कोई बड़ी बात नहीं पूछी है। क्या पूछा है कि सर जब इलेक्ट्रॉन भरा तो 4s में गया और निकाला तो किस में से निकाला? 4s में से। तुम कहते हो जो नाभिक के पास होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है? कम। तो इस हिसाब से 4s नाभिक के पास है, लेकिन जब यहां पर देखूं तो 4s नाभिक से दूर है कि नहीं है? अच्छा, पहले तो इधर ही होता है, फिर इसके प्रभाव के कारण। परिरक्षण प्रभाव का मतलब जानते हो क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। और ओहो, परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है सर शील्डिंग इफेक्ट। एक बार तालियां हो जानी चाहिए बच्चे के लिए। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अरे बस 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 मतलब, अरे बस मतलब आईक्यू लेवल देखो। बोलो परिरक्षण प्रभाव, बोलो शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जैसे हम तो मतलब पता नहीं कहां से आए, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, बावड़े आदमी। हाँ, परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है बचाने वाला प्रभाव। सीधा सा है, परिरक्षित करना बायोलॉजी में आता होगा, प्रिजर्व करना बचाना। मान लो कि आपने कोई भी कांड कर दिया, मान लेते हैं ठीक है, समय ऐसा चल रहा है, आपने कोई कांड कर दिया और आपके घर वालों को पता चल गया, ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि आपकी ठुकाई होना क्या है? मस्त है। अरे है कि नहीं? बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि बापू तक बात चली गई है। अब बापू तक बात चली गई है तो आपकी ठुकाई तो श्योर होगी, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अब मान लो कि घर पे सीन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि तुम्हें घर पे बुलाया गया कि चलो आ जाओ अदालत में हाजिर हो जाओ, और बापू क्या है गब्बर वाला बेल्ट लेके और ऐसे सोफे पे बैठे हैं पैर पे पैर लगा के कि आ जाओ सांबा आ जाओ, है ना? नहीं क्या? अब तेरा क्या होगा कालिया? वही वाली बात है सर। तो ऐसे केस में बापू है न्यूक्लियस और आप हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपकी होने वाली है ठुकाई बढ़िया वाली। अब एक बात बताओ कि घर पे जब जाते हैं तो अपन सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम ये सोचते हैं कि सर हो सकता है हमें बचा लिया जाएगा या हो सकता है मार दिया जाएगा, एक काम तो होगा। अरे होता कि नहीं होता भैया? सबको डर लगता है यार, बापू से डर नहीं लगता क्या? लगता ही है भाई, सबको लगता है यार, किसको नहीं लगता, ठीक है। अब तुम ऐसा थोड़ी कि आजा बापू दो पैग लगा ले आजा, ऐसे होता है क्या बे? अपने यहां नहीं होता बेटा, वो फॉरेन में होता है। अपने यहां बहुत स्ट्रिक्ट मामला होता है कि बापू अगर बैठे भी हैं तो सोचते हैं कि कहीं से बाईपास होके निकल लें, कि बात ना करनी पड़े, अदरवाइज जो ईगो है वो आपस में टकराएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ऐसे केस में आप क्या सोचते हो? आप जैसे ही घर में एंटर होते हो तो आप ढूंढते हो कि मुझे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? मम्मी। अरे यही होता है ना, मम्मी बचाते हैं, और तो कौन बचाएगा यार, पड़ोसी की मम्मी थोड़ी आएगी बचाने, उसका तुम्हारे बापू से क्या रिलेशन है यार, सीधी सी बात है। हाँ, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई देखो खुद की मम्मी जो है वो खुद के बापू से बचा सकती है, इतना अधिकार उसके पास ऊपर वाले ने दिया होता है, ठीक है। अब सुनो, तो क्या होता है कि मान लो कि तुम जैसे ही गए, तुम्हारी ठुकाई स्टार्ट होती है तो मम्मी देखती है कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि अजी छोड़ दो आपका ही बच्चा है। तो मैंने क्या गलत, अबे मैंने कुछ गलत बोला? अरे मैंने कुछ गलत बोला भाई? मम्मी तो यही नहीं कहती क्या मम्मी? अरे थारो ही बेटो है छोड़ दो, क्यों मार रहे हो, नहीं गलती क्या ऐसे? फिर तो क्या बोलती है कि आपका ही बच्चा है, आपका ही बेटा है, ठीक है, कहीं से एडॉप्ट करके नहीं लाए हैं, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि बापू बोलते हैं कि तेरे को नहीं पता इसने क्या किया है? बोला वही किया जो आपने इस टाइम किया था, है ना? अरे होता कि नहीं होता? होता है। तो बापू क्या है थोड़े से टेम्पर डाउन होता है, अरे आता कि नहीं आता? फिर आपको दो चार पढ़ते हैं कि तूने मतलब हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुझे ऐसा कुछ करना पड़ा, हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई तू बाहर ढूंढ रहा था, है ना? तो ऐसी बहुत सारी बातें हमको सिखाई जाती है, मतलब आपको सिखाई जाती है, हमारी तो उम्र हो गई, है ना? हाँ, तो
अब अपन क्या कहते हैं भाई, उस टाइम आप कुछ नहीं बोलते, बस आप तो क्या करते हो, रहते हो कि बापू गलती होगी दोबारा नहीं होगी। बापू कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या मैंने भी करी है, तो ऐसी गलतियां तो बार बार दोहराई जाती है। तो क्या होता है, तो अरे सुन तो लो यार पूरी बात, तुम बाद में हंस लेना आपस में बात। तो क्या होता है, तुम्हारी ढुकाई होने वाली होती है, फिर अंदर से आवाज आती है, अरे सुना नहीं गया मैंने क्या बोला। अरे उधर मम्मी का पारा क्या होता, थोड़ा सा हाई होता है, तो बापू समझ जाते हैं कि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल है, तो बापू थोड़े से डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी वो तुम्हें एक दो और मारने की कोशिश करते हैं, इतने में आवाज आती है कि मैं आऊं गया, और इतना होते ही बापू सरेंडर। अरे होता कि नहीं होता, होता है, और आपका जो प्रोटेक्शन है, आप जो है वो बच जाते हो। इस प्रभाव को कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। अरे इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, ये आपके बापू हैं और ये आप हो, ध्यान से सुन लेना। आपके बापू ने फोर्स लगाया आप पर, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है जो बापू के पास है, बापू के सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है, एंगल चेंज करके देखो, एक मिनट, क्या नाम बेटा आपका है, हर्ष। तो हर्ष की पहाड़ी सुन ले, बापू के नंबर देना एक बार, पूछते हैं कि पूछेगा, मतलब सोच देखो, विकृत मानसिकता के इंसान। हाँ देखो, अब सुनो, तो अपन क्या कहते हैं कि सर सीधी सी बात है, बापू के क्लोज कौन होता है, उसका हम सफर यानी कि मम्मी। तो इसमें भैया अगले की लुगाई है, शादी करके लाया है, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर बापू के सबसे क्लोज कौन होता है, मम्मी। तो मम्मी की बात वो क्या है, सबसे ज्यादा मानते हैं। अरे आपकी थोड़ी मानते हैं, आपके घर वाले आपकी बात मानते हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है, आज तक हमारी नहीं मानते, तुम्हारी क्या मानेंगे। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऐसे केस में जो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस को, वो दूर वाले को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। इस प्रभाव को बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। तो अब आप लोग खुद सोच के देखो कि 4S और 3D पर ऐसा केस लग रहा है क्या, भैया जो पहले पास में था न्यूक्लियस, क्या उसको दूर जाने देगा क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, सोच लो। नहीं, एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाए, तो ये तो मैं भी कह रहा हूं भाई कि ये पहले पास था फिर दूर चला गया, तो सीधी बात है एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ गया। हुआ क्या, जैसे अभी जो हुआ था वैसा ही कुछ हुआ होगा यहां पे। ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात बताता हूं यहां पर, ये है, ध्यान से सुन लेना, रे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा एनसीईआरटी का। ये आपके पास एस कक्षक है, ये आपके पास डी कक्षक है। आप बेटा एस में एक इलेक्ट्रॉन भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बात जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर आवेश होता है नेगेटिव, और दो नेगेटिव आवेश वाले जब पास पास होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण लगता है। यहां पर कुलाम का रिपल्सिव फोर्स काम करता है। अगर यहां पर जहां भी केमिस्ट्री में रिपल्शन वर्ड आ गया, ध्यान से सुन लेना, जहां भी केमिस्ट्री में रिपल्शन वर्ड आ गया वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जहां भी केमिस्ट्री में प्रतिकर्षण शब्द आ गया, प्रोसेस बिना आंख बंद किए क्या लगा दो, एंडोथर्मिक, गलत नहीं होगा। लेकिन जहां भी केमिस्ट्री में वर्ड आ गया आकर्षण अट्रैक्शन, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, कहीं गलत नहीं होगा। क्लियर है, तो ध्यान से सुन लेना, यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगेगा तो तंत्र ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित, अवशोषित करेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये ऊर्जा में क्या हो जाता है, बढ़कर आगे चला जाता है। तुम बोलोगे कि डी के साथ क्या हुआ फिर, तो सुन लो, डी में बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या युग्मन होगा क्या, नहीं होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन संभ्रंश कक्षक यानी कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में हैं और इनका चक्रण भी क्या है, समान है, तो ये दोनों अपनी जगह एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और जब बदलते हैं तो यहां से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एक्सचेंज एनर्जी, या तुम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो नाम सुना होगा, विनिमय ऊर्जा।
ठीक है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के डी जनरेट ऑर्बिटल में होते हैं उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी मुक्त होती है। तो ये जो है वो ऊर्जा में कहां आ जाता है, पीछे, और ये ऊर्जा में कहां चला जाता है, आगे। तो याद रखना कारण क्या है, एक्सचेंज एनर्जी और रिपल्सिव फोर्स दोनों क्या करते हैं बेटा, यहां पर काम करते हैं। इसलिए 3D की ऊर्जा कम हो जाती है और 4D की थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, नीट में पूछा था टाइटेनियम के लिए। ध्यान से सुनना क्या बोला, टाइटेनियम के लिए कौन सा ऊर्जा स्तर का क्रम सही है। तो उसमें ऑप्शन थे, क्या था, 3s, 3p, 3d, 4s। दूसरा ऑप्शन था 3s, 3p, 4s, 3d। और भी दो ऑप्शन थे, उनकी हमें जरूरत नहीं है। टाइटेनियम, टाइटेनियम के लिए कौन सा ऊर्जा स्तर सही है, पहले वाला या दूसरे वाला? टाइटेनियम के लिए कौन सा ऊर्जा स्तर सही है, पहले वाला या दूसरे वाला? अरे कौन सा सही है, हाँ दूसरे वाला, दूसरे वाला। यानी कि 4s की ऊर्जा क्या है, कम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22। कितना होता है, 22। 22 होने का मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन जा चुका और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जा चुका। क्या इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये अपनी जगह बदल लेते हैं क्या? अरे हाँ या ना, ये पूरा रामायण सुनाया है, ये बिना इलेक्ट्रॉन के है या इलेक्ट्रॉन के है, इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन आने के बाद ऊर्जा का क्रम बदल जाता है और आपको ये ऊर्जा स्तर मिलता है। अब तुम बोलोगे कि ये कब होता है, अपन कहते हैं कि ये तब होता है जब कक्षक क्या होते हैं, खाली। एन प्लस एल रूल और आफबो प्रिंसिपल दोनों खाली कक्षकों पर लागू होते हैं, भरे हुए कक्षकों पर नहीं। आज समझ में आई क्या बोला? अरे तुम इलेक्ट्रॉन भरने जाते हो तो तुम्हें कक्षक खाली चाहिए या भरा हुआ चाहिए? खाली। खाली कक्षक पर एन प्लस एल रूल और आफबो प्रिंसिपल लागू होता है। भरने के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है और चीजें बदल जाती है। अगर तुम कहोगे भरने के बाद भी ऐसा ही रहे तो तुम देखो यार बाहर कौन पड़ा है आज, 3D, और तुम इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो 3D से निकालोगे कि 4s से? 4s से। तो 4s से कब निकालोगे, जब तुम्हें एनर्जी लेवल कैसा मिले भाई, ऐसा। आज समझ में आ गई क्या? कॉपी के ऊपर जगह है ना, वहां लिखो, फिर देखते हैं समझ में आता है क्या। कॉपी के ऊपर जगह है ना, वहां लिख देना, थोड़े अक्षर छोटे रख लेना ताकि काम आ जाए। लिखो एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल खाली कक्षकों हेतु लागू होता है, खाली कक्षकों हेतु लागू होता है, भरे हुए कक्षकों पर नहीं। खाली कक्षकों हेतु लागू होता है, भरे हुए कक्षकों के लिए नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्लियर है। अब ना इसी के, और जगह है क्या वहां पे? हाँ, तो वहां पे लिख देना, क्या लिख देना कि सर बिफोर फिलिंग, मतलब भरने से पहले, बिफोर फिलिंग, भरने से पहले, भरने से पहले क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर एनर्जी ऑफ 4s लेस देन होती है किससे, एनर्जी ऑफ 3d। भरने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, फिलिंग का मतलब भरना, यहां इलेक्ट्रॉन्स के भरने से मतलब है, हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, आफ्टर फिलिंग, भरने के बाद, भरने के बाद क्या होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ 4s बढ़ जाती है किससे, एनर्जी ऑफ 3d, ठीक है। अब इससे संबंधित ऊर्जाएं कौन सी होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। एक रिपल्सन होता है जिससे पेयरिंग एनर्जी जनरेट होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है जिससे एक्सचेंज एनर्जी होती है। तो उतना डेप्थ में अभी नहीं ले जा सकते, आपको कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। बोलो बातें क्लियर है? तो अब सुनो, मैंने लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा लिखा हुआ है तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब सुनो, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, D2 और S2। ये कितना हो जाएगा बेटे, D3 S2। ये कितना हो जाएगा, D5 S1। ये कितना हो जाएगा, D6 S2। ये कितना, सॉरी, D5 S2। ये कितना हो जाएगा, D6 S2। ये कितना हो जाएगा, D7 S2, D8 S2, D10 S2 और D10 S2। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल क्लियर है, ये कहानी आपके पास हो जाती है। अब सुनो,
सर अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, ध्यान से सुनना। यहां पर हमें जरूरत होने वाली है दो कक्षकों की। देखो सर, आपसे कहा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनमें जब बॉन्डिंग होती है या ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना होता है तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो बाह्यतम कोष और एक कौन सा उपांत्य कोष। उपांत्य में भी कौन सा, केवल डी उपकोष। ये दोनों कोष क्या करते हैं, बंध निर्माण में भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान। मान लो कि सर इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4s यहां पर था, 3d यहां पर था, क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 4s की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ गई और 3d की ऊर्जा थोड़ी सी घट गई। तो एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां पर ऊर्जा का अंतराल क्या हो जाता है, कम। यानी कि लगभग समान ऊर्जा होने के कारण ये दोनों कक्षक क्या करते हैं, बंध निर्माण में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब सुनिएगा, हम लोग यहां पर बात करते हैं किसकी। तो हमने कहा कि s प्लस d के जो इलेक्ट्रॉन है उनको चेक कर लेते हैं। सर यहां पर s प्लस d के इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 3। बेटा यहां पर कितने, 4। यहां पर 5, यहां पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितने, 12। एक काम करो, इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, इनके परमाणु क्रमांक देखो कितना है, 21। 2+1 कितना होता है, 3। 2+2 कितना होता है, 4। 2+3 कितना होता है, 5। 4+2 6, 5+2 7। यानी कि परमाणु क्रमांक जो है अगर इनको हम जोड़ दें आपस में तो क्या आपको s प्लस d के इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाते हैं क्या? अरे हाँ या ना, सिंपल सा है क्या? सिंपल सा है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपसे ये कह दूं कि सर ये बना दो क्या, तो आपने कहा कि Mn+2। क्या बना दो, Mn+2। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं वो सुन लो। Mn का परमाणु क्रमांक ढूंढ लो कितना होता है, 25। 25 का मतलब है d और s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने निकल चुके हैं, 2। तो 7-2 कितने हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन तुम चुपचाप किसको दे दो, डी को दे दो, चुपचाप डी को दे दो। तुम बोलोगे क्यों भाई, एस के साथ ऐसा क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा किस में से, एस में से, तो एस को तो तुम भूल ही जाओ। अरे एस को तो तुम भूल ही जाओ। तो तुमने कहा क्या बना, D5। अब सुनो, क्या डी में 5 कक्षक होते हैं क्या, डी में 5 कक्षक होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या 500 के 500 अयुग्मित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे केस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, 5। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो अपन क्या बोल देंगे, ऐसी प्रजातियां क्या होती हैं, पैरा मैग्नेट। बोलो बात पहले पड़ गई क्या, क्या करना है तुम्हें, विन्यास लिखना ही नहीं है। अगर नहीं भी आता तो तुम परमाणु क्रमांक देखकर सीधा क्वेश्चन क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। आ जाओ बात स्टार्ट यहां से करते हैं। ये कौन है आपका, तो आपने कहा Scandium+3। Scandium का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। 21 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कितने निकाल दिए, 3। 3 निकालने के बाद तेरे पास कितने बचेंगे, 0। 0 बचने का मतलब तेरे डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 0। अब इसके पास पीछे क्या बचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, सारे युग्मित है। बंद करके देख दो, देख दो। अब सुनो क्या पर बात सुनो, डी में 0 भरने का मतलब क्या कोई अयुग्मित आएगा क्या, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो पैरा मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। आ जाओ ये प्रजाति कैसी है, डायमैग्नेटिक। कॉपर प्लस 2 की बात कर लेते हैं, कॉपर प्लस 2 का परमाणु क्रमांक कितना, 29। 29 का मतलब 9+2 कितने होते हैं, 11। 11 में से कितने निकाल दूं, 2। कितने बचेंगे भाई, 9। तो तुम क्या बोलोगे कि ये कितना, D9। D9 बचेगा कि नहीं बचेगा, D9 बचेगा। तो सुन लो, डी में भरे जाते हैं 5, 5 के बाद युग्मन स्टार्ट, 6, 7, 8, 9। कितना अयुग्मित दिख रहा है, 1। तो अपन क्या बोलेंगे, अयुग्मित कितना, 1। तो पैरा मैग्नेटिक। तो ये प्रजाति जो है वो कैसी है, पैरा मैग्नेटिक। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि किस युग्म में प्रजातियां कैसी है, डाया मैग्नेटिक। क्या ये आंसर हो सकता है क्या, नो सर। आ जाओ भैया बात कर लेते हैं किसकी, Zn2+ की। अब देखो सर, Zn2+ का परमाणु क्रमांक होता है 30। 30 होता है तो इसकी संख्याओं का योग करो कितना मिलता है, 3। मतलब इसको हमें छोड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, तो आप इसको काउंट ना करें, इसको सीधा करने की कोशिश करें। D10 है, ये फुलफिल्ड है, इसके साथ तुम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो बचा कौन बेटा, 4s।
तो 4s बचेगा तो तुम क्या बोल दोगे, s के दोनों निकाल दो तो जिंक 2 प्लस जो है वो कितना हो जाएगा, D10। तो भैया 5 ये थे और 5 और डाल दो, क्या सारे युग्मित हो गए? क्या हो गए? तो अपन क्या बोलेंगे, n बराबर कितना, 0। तो ये प्रजाति कैसी, डाया मैग्नेटिक। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक। अगला एग्जाम्पल कौन है, निकल प्लस 4। तो ये भी सुन लो, निकल प्लस 4, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28। 28 का मतलब 8 प्लस 2 कितना रे, 10। 10 में से 4 निकाल दो कितना बचा, 6। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 3D6। डी में 6, 5 अयुग्मित थे, एक और जोड़ दो तो ये युग्म बन गया, कितने बचे भाई पीछे, 4। तो अपन क्या बोलेंगे, एन बराबर कितना, 4। तो पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट, पैरा मैग्नेट। तो ये पैरा मैग्नेट, क्या ये आंसर होगा क्या, नो सर। कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 1 की बात करते हैं, ये लो कॉपर प्लस 1, परमाणु क्रमांक कितना, 29। 9, 2, 11, 11 में से कितना निकाल दो, 1 कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 3D10, n बराबर कितना, 0। पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट, डाया मैग्नेट। तो ये प्रजाति कैसी है, डाया मैग्नेट। कॉपर 2 प्लस हम अभी अभी निकाल के आए हैं, कैसा है, पैरा मैग्नेट, ये आंसर नहीं है। कॉपर 1 प्लस अभी अभी निकाला है, कैसा, डाया मैग्नेट। तो बचा कौन सा, मर्क्यूरस। अब सुनो, तुम्हें इसका परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, सुनो सर, याद आ रहा होगा जिंक, जिंक जो होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जिंदगी कनेडा होगी कोने में, मतलब जिंक के नीचे कौन आता है, मर्क्यूरी। तो जैसा जिंक वैसा मर्क्यूरी, हाँ या ना। तो क्या मैं ऐसा कह दूं गया कि सर मेरा मर्क्यूरी जो है, मेरा मर्क्यूरी जो है वो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, D10S2। अब कितना D कितना S वो तुम निकाल लो, कैसे, तो भैया मर्क्यूरी का जो पीरियड नंबर है वो कितना होगा, 6 में D कौन सा आएगा, 5, और S कौन सा आएगा, 6। आ गया। तेरे को क्या चाहिए, मर्क्यूरस। मर्क्यूरस का मतलब होता है Hg+1। Hg+1 जो होता है वो ये होता है, मतलब कितना आएगा, 6s1। अयुग्मित कितना दिख रहा है, एक, एक दिखने का मतलब पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट, एक दिखने का मतलब पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट, पैरा मैग्नेट। लेकिन यहां पर पंगा है, क्या है, तो अपन बोलते हैं कि Hg+1 जो है वो क्या होता है, एग्जिस्ट एज डाइमर, यानी कि द्विलक के रूप में अस्तित्व रखता है। और द्विलक क्या होता है, तो अपन बोलते हैं Hg2+2, इस रूप में क्या होता है, पाया जाता है, इस रूप में मिलता है। तो क्या होता है वो देख लो, Hg1+ और Hg1+ दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, और आपके पास ये एक मेटालिक बॉन्ड यानी कि धात्विक बंध का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचता है, 0। और ये कैसा हो जाता है, डाया मैग्नेट, यानी कि दिखने में ये कैसा लग रहा था, पैरा मैग्नेट, लेकिन कैसा हो जाता है, डाया मैग्नेट हो जाता है। क्लियर है? अब सुनो, अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि मान लो इनमें से किसी के नीचे कोई एलिमेंट है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो सुन लो, मान लो आपको बोल दे Pd+4, ध्यान से सुनना, क्या बोल दे, Pd+4, तो तुम ये देखो कि ये किसके नीचे आता है, निकल के, नहीं पढ़ोगे पिटोगे कितनी बार, 10 बार। तो सर निकल के नीचे आया पैलेडियम, तो निकल को देखो तुम, अब पैलेडियम को मत देखो, तुम्हें इससे कोई काम नहीं है, पैलेडियम जो है वो निकल के नीचे है, और कितने होते हैं, 10। S+B, D10 ही होता है इसमें, 10 में से 4 निकाल दो कितने बचते हैं, 6, मतलब कितना आएगा, D6। क्या आपको इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने आप मिल गए क्या, मिल गए। तो आपको कहीं भी परमाणु क्रमांक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी ही जरूरत पड़ेगी कि आप क्या कर सको, आपने कहा कि हम सिर्फ इन 10 तत्वों को याद रख सकें और इनका विन्यास याद रख सकें और इनके S+D इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकें, तो हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत ही आसान। तो लपेटो बेटा, ठीक है, अब इस पर कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बना दो फटाफट। फटाफट बनाओ देखें, नहीं सर पापा ऐसा करते ही नहीं है, है? ये हैं सौरभ शर्मा जी,
और ये कह रहे हैं कि पापा ऐसा नहीं करते हैं जी। हो सकता है कई लोगों के पापा बहुत अच्छे हों जो अत्याचार नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप तो जानते हो कि जो जो ग्रामीण परिवेश से आता है उनके यहाँ पर ये खानदानी प्रॉब्लम है कि दादा ने बापू को फोड़ा होता है, बापू अपने बेटों को फोड़ता है, ये खानदानी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हाँ, तुम्हारा नंबर भी आएगा, क्वेश्चन मार्क है इस पे। हाँ बेटा, मेरा हो ही नहीं सकता है, है ही अच्छे, बिल्कुल बेटा, सबके पापा अच्छे ही होते हैं, जोक्स अपार्ट। हाँ, ये बातें सिर्फ मजाक में है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये बातें महज एक कल्पना है जो मास्टर के मन की कल्पना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, तू कल्पना कल्पना करेगा तो मेरे को गजनी बनते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और तेरे माथे पे लिखूंगा वो किल्ड कल्पना। अच्छा, कलर्ड गया, कलरफुल, तो जिंदगी है क्या, कलरफुल है, हाँ कलर्ड होते हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह शेखावत, हाजिर हो। हाँ देखो सर, सर अरे सुनो सुनो, शमशेर सिंह जी का एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जो है वो कलर्ड होते हैं। ये बात बिल्कुल वाहियात है बेटा, वाहियात मतलब बिना सर पैर की बात है। चलो, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्या ऑक्सीजन कलर्ड होता है? बोरोन पैरामैग्नेटिक है, क्या कलर्ड होता है? कार्बन पैरामैग्नेटिक है, क्या कलर होता है? नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक है, क्या कलर्ड है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सारे पैरामैग्नेटिक है, सारे एल्कली मेटल पैरामैग्नेटिक है, सारा पी ब्लॉक पैरामैग्नेटिक है, किसको छोड़कर, इनर्ट गैस को छोड़कर, क्या कलर्ड है? कलर युक्त, अरे मतलब कलर युक्त नहीं, फिर रंगीन है। देखो बेटा, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है कि निम्न में से कौन सी प्रजातियां, ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सी प्रजातियां या प्रजाति अनुचुंबकीय तथा रंगीन है, अनुचुंबकीय तथा रंगीन है, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नहीं आता कि पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होगा, जरूरी नहीं है। देखो भैया, एक बात बताओ कि जिंदगी कलरफुल कब होती है? जब आदमी सिंगल होता है तब, या फिर जब उसकी शादी हो जाती है तब? सिंगल। और सिंगल को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रंगीन हो सकता है, हो सकता है, हो जरूरी नहीं है। आप समझ में आ गई? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक रंगीन होते हैं तब जब इनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये किसी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब संकुल, और संकुल का मतलब वहां पर स्प्लिटिंग होगा, विपाटन होगा डी कक्षकों का, वहां पर होता है डीडी संक्रमण। कलर आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पहला डीडी संक्रमण, दूसरा एफएफ संक्रमण, तीसरा एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चौथा एमएमसीटी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, पांचवा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, छठा पोलराइजेशन, सातवा एमओटी। सात रीजन होते हैं बेटा, ठीक है, ये आते हैं। एमओटी में भी आपने देखो, मैंने अभी एक वर्ड बोला था, ऑक्सीजन गैस, गैस कलरलेस है, ऑक्सीजन गैस कलरलेस है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन कलर्ड, सॉलिड ऑक्सीजन कलर्ड, लिक्विड में कलर आना शुरू होता है और सॉलिड में प्रॉपर आ जाता है। बात समझ में आ गई? F2Cl2Br2I2 कलर्ड, इनके कलर्ड होने का रीजन है आठवां, होमोल्यूमो ट्रांजिशन। नाम सुना हुआ है क्या होमोल्यूमो?
होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो का होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो ऑक्सीजन गैस का पैरामैग्नेटिक होना, F2Cl2Br2I2 का पैरामैग्नेटिक होना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ बाकायदा ब्लॉक केमिस्ट्री में, और आया हुआ क्वेश्चन भी है, जेई एडवांस में आया हुआ है रिसेंटली 3 साल पहले। ठीक है, तो ये बातें क्या होती है बेटा, इन सब की होती है। अब समझ में आ गया, चले आगे। अरे चला, तो कलर के बारे में आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अब सुनो सर, ये तो बात हुई पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखाता हूं, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप बताइएगा कि सर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सिलेक्ट होता है। तो लिखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन लिखिएगा, देखो देखो, क्षार धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं, 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 जबकि इनके लवण प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्षार धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं जबकि इनके लवण प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये पहला बात है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा, देखो क्षार मृदा धातु तथा इनके लवण, क्षार मृदा धातु तथा इनके लवण दोनों ही प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्षार मृदा धातु तथा इनके लवण दोनों ही प्रतिचुंबकीय होते हैं, दोनों ही प्रतिचुंबकीय होते हैं। अगला पॉइंट देखो, सामान्यतः संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति की होती हैं, सामान्यतः संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति की होती हैं, सामान्यतः संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। चौथा ऑप्शन ऑल इज वेल, चौथा ऑप्शन ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब होता है सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ जी सर, बोलिएगा आंसर, फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या बोलेंगे आप लोग सर इसके बारे में, फटाफट बोलिएगा। और चलो सुनो, इसने बोला क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1, यही होता है क्या सर? एक अयुग्मित है, मतलब क्षार धातुएं किस प्रकृति की हैं, अनुचुंबकीय। अगर मैं इनके लवणों की बात कर लूं तो लवणों में ये किसका निर्माण करते हैं, M+1। M+1 का मतलब इनका विन्यास जो है वो क्या हो जाता है, इनर्ट गैस और NS0। तो क्या आप ये बोल दोगे क्या कि इनके लवण जो है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं? तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है क्या? सही है। दूसरे स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो क्षार मृदा धातु का विन्यास होता है NS2। N में दो इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और अगर ये M2+ बनाती है तो हमें क्या मिलता है, वापिस से प्रतिचुंबकीय ही मिलता है। तो सुन लो, क्षार धातु अनुचुंबकीय हैं लेकिन उनके लवण कैसे हैं, प्रतिचुंबकीय। और अपन क्या कह रहे हैं कि क्षार मृदा धातु और इनके लवण दोनों के दोनों क्या हैं, प्रतिचुंबकीय। तीसरा स्टेटमेंट गौर करने लायक है, क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः वर्ड लिख दिया, तो अगर बीच में कोई एक्सेप्शन आ भी गया तो तुम उसको हटा सकते हो। अरे कोई एक्सेप्शन आ भी गया गलती से तो तुम उसको हटा सकते हो। तो अपन क्या करें, संक्रमण धातु मतलब कौन नहीं आया, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और सीएन, ये नहीं आए, इनको हटा दो। बाकी जो बचे हुए हैं, क्या इनमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? और इनमें दिख रहा है तो इनके नीचे वालों में भी होगा, और अगर कहीं पर गलती से कोई एक्सेप्शन आ गया तो तुम उसको छोड़ दो। सामान्यतः वर्ड का मतलब यही होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, क्या तीसरा स्टेटमेंट सही है क्या? यस सर, तीसरा भी क्या है, सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि ऑल इज वेल। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ।
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हेडिंग लगा दो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हिंदी भाषा में बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब सुनना भाई, बहुत ही सिंपल सा और नॉर्मल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार का होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, किसी काम का नहीं है। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और दूसरा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण। एक होता है चक्रण, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर काम आ रहा है, दूसरा होता है कक्षकीय जहां पर हमारे पास काम आता है मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक जगह काम आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का भी सिर्फ नाम और फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में है, ना तो इसका डेफिनेशन, ना इसका कॉन्सेप्ट, ना कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, कुछ भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन नहीं है। क्लियर है? तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम और उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, म्यू से, इसको फाइंड आउट करने का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि n इंटू एन प्लस टू। यहां पर हम बात करते हैं तो n इंटू एन प्लस टू जो होता है उसमें n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरी काम की बात होती है इसकी इकाई यानी कि यूनिट, और यूनिट क्या होती है तो अपन क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ये चीजें हमें पहले से पता होती है, बहुत आसान चीजें हैं, बोर मैग्नेटॉन। बस इतना ही काम का है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण में, क्या है, नाम क्या है, और फॉर्मूला क्या होता है, और उसका यूनिट क्या है, बस दैट्स इट। इसके अलावा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब सुनो, अगर मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रखता हूं तो म्यू का मान कितना मिलता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर 2+1=3 यानी कि स्क्वेयर रूट 3। अब देखो सर, इसकी मैं बात करूं तो जब इसको सोल्व आउट किया जाता है तो ये कितना आता है, 1.73। सही बात है, सबको पता है। दूसरा, जब मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रखता हूं, दो, तो क्या आता है, क्या आता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो रखने का मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 8 स्क्वेयर रूट 8। ये जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो अपन बोलते हैं कि सर कितना, 2.84। अगर 3 रखा जाता है तो कितना हो जाता है, स्क्वेयर रूट 15, और स्क्वेयर रूट ऑफ 15 कितना होता है, 3.87। अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं तो कितना हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि 4 × 2 = 6 यानी कि स्क्वेयर रूट 24, और 24 कितना होता है, 4.89। अगर अपन कहते हैं कि 5 रखा जाता है तो कितना आता है, स्क्वेयर रूट ऑफ 35, और ये कितना आता है, 5.91 या 92 के समथिंग। क्लियर है? अगर तुम 6 रखना चाहो रख दो, तो अपन क्या कहते हैं कि 6 × 2 = 8 और 48, और ये जो है मिलता है 6.94 के आसपास। तुम बोलोगे कि सर ये क्यों लिखा हुआ है, तो सुनो, इसमें दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं उनको मार्क कर लो। दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं क्या वो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही हैं, क्या आ रही हैं? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर हमें जो है क्वेश्चन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, वो म्यू का वैल्यू देता है, वो बोल देता है कि यदि किसी यौगिक का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 5.91 है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा क्या, 5। क्लियर है? फटाफट लिखो और एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि सर इनऑर्गेनिक में अगर हम कैलकुलेशन करने पर ध्यान देंगे तो फिर फिजिकल में क्या करेंगे, फिजिकल और फिजिक्स में तो हमारी लंका वैसे ही लगी होती है, कैलकुलेशन पार्ट में कॉन्सेप्ट तो आपको सारे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऐसा कोई है जो तुम्हें नहीं आता, सारे आते हैं, बस कैलकुलेशन ही तो नहीं होती। आपको ही पता है सर, क्या पता है, मुझे तो सब पता है ना। चलो लिख लिया सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी करें थोड़ा सा। क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से ही ट्रीट करना, जहां भी तुम अपना दिमाग लगा बैठोगे क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे, बस और कुछ नहीं है, जितना पूछे ना उतना ही दिमाग लगाना है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती, ये फैक्ट है।
जितना वो पूछ रहा है ना, एग्जामिनर बन के सोच लो कि अगर ये क्वेश्चन तुम बनाते तो तुम क्या पूछते, खत्म, वहीं पे क्वेश्चन निपट जाता। चलिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। देखो, एक अज्ञात यौगिक, एक अज्ञात यौगिक, इस पर जो वैरायटी आती है उसको हम चेक कर लेते हैं। एक अज्ञात यौगिक BClX, यहां पर V का मतलब वेनेडियम, Cl का मतलब क्लोरीन और X क्लोरीन परमाणुओं की संख्या है ना। एक अज्ञात यौगिक BClX का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर कितना है, 3.87 बोर मैग्नेटोन है। एक अज्ञात यौगिक BClX का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 3.87 बोर मैग्नेटोन है, तो यौगिक हो सकता है, तो यौगिक हो सकता है BCl2, BCl3, BCl4 और चौथा ऑप्शन जो है वो है BCl5। एक अज्ञात यौगिक BClX का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 3.87 बोर मैग्नेटोन है, तो यौगिक हो सकता है, तो यौगिक हो सकता है BCl2। एक आंसर आया है सर BCl2, क्या लिखा है 3.87। तो BCl2 आएगा या 3 आएगा, तो आएगा, चलो देख लेते हैं। देखो सर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जानकारी वहां से मिल रही है, कितने अयुग्मित हैं, 3। बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से सुनना सर। अगर BClX को तोड़ा जाए तो क्या वेनेडियम प्लस एक्स और प्लस एक्स सीएल माइनस नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। क्या सीएल माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2888 होता है क्या? यस सर। अपन कहते हैं कि सर यहां पर अयुग्मित कितना, 0, तो ये कैसा डायमैग्नेटिक, यानी कि सर अनुचुंबकीय व्यवहार किसके कारण आ रहा है, इसके कारण, तो इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बता रहा है, 3। अब देखो सर, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23, 23 का मतलब कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन में से कितने निकालूं कि 3 अयुग्मित बच जाए, कितने निकालूं, 2, 2 निकालने का मतलब ये कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठेगा, मतलब ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर वेनेडियम पर चार्ज कितना आएगा, +2। तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, +2, तो क्या बन जाएगा, BClX2। बात समझ में आ गई? तो सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से सीधा क्वेश्चन मत कर देना बेटा, गड़बड़ हो सकती है, क्लियर है? तो चलिएगा सर, ये आपकी कहानी समाप्त होती है किसकी, यहाँ पर आपके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। कल एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे इस पर, और फिर अपन बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है? चलो, कोई डाउट है किसी को, अभी कोई पंगा नहीं, तो चलो, वो क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ मिल गया क्या आपको, पीरियोडिक का सबको मिल गया, कोई ऐसा जिसको नहीं मिला हो हैंड रेज कर दो, बता देते हैं, बस ज्यादा नहीं है, 8-10 लोग ही हैं। चलो ठीक है, आपको भी मिल जाएगा बेटा, या फिर नीचे से ले लेना है ना।